और देखिए हमारे लिए बना रही है मम्मी चाय, और मेरा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, मैं तो व्लॉग बनाने में रह गई। तो गाइस यहाँ पे पड़ चुकी है मोहित को, बाय तो गाइस हमारी बन रही है खिचड़ी, ये चावल यहाँ पे रखे हैं दो तीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वाणी व्लॉग्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज है गोवर्धन पूजा, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गोवर्धन। और आज जो है, आज जा रहे हैं दीदी और दादा, जा रहे हैं अपनी चाची के वहाँ, और दीदी हो रही है तैयार और क्रीम और लगा रही है क्रीम। नहीं यार, क्रीम कहाँ लगा रही है एक किचन में। ये देखिए गाइस, लगाई ये क्रीम और लिपस्टिक और मम्मी बहुत सैड है क्योंकि मम्मी को नहीं ले जा रहे हैं। मम्मी को बोलो चलो चलो, आपको नहीं जा रहे ना। नहीं यार, मेरी तबीयत खराब है यार, मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी नहीं जा रही है। अगर मम्मी जाती तो शायद चाची को भी अच्छा लगता। तो हम मन्नू को भेज रहे हैं, मन्नू जा रही है, मन्नू गीता दी और दादा जा रहे हैं, मैं और ये जाएंगे कल हम जाएंगे अपने मायके। तो मैं आपको वहाँ का भी ब्लॉग दिखाऊंगी। और ये छोटे शैतान भी जा रहे हैं आज, तो आज हम घर में सिर्फ तीन लोग हैं, मैं पापा मम्मी और ये चार मामा भी तो है, चार लोग हैं हम लोग। ये भी जा रहे हैं आज, आ जाएंगे यार शाम को। और अगर नहीं आओगे तो डंडे में मार जाएंगे। आज काफी बोरियत भी होगी क्योंकि कोई है नहीं। मम्मी पापा यहाँ कहाँ बजे आता ना, यूट्यूब बनाना है। तैयार भी नहीं हो रहे हो तैयार? इसको बोलो टी-शर्ट दे। कपड़े नहीं मिल रहे और एक और है वो कहाँ भी, उसका भी क्रीम पाउडर चल रहा होगा। तो गाइस मन्नू गई है कपड़े चेंज करने, वो आते हैं तैयार होके और फिर मैं आपको मन्नू को दिखाती हूँ, मन्नू भी हो जाएगी तैयार। और आज जो है गाइस अचार चोर, ये देखिए गाइस कितना अचार है, और पापा अकेले अकेले खाने में लगे पड़े अचार खाने में। सब जा रहे तो गाइस मन्नू भी आ चुकी है तैयार होके, बस अभी मेकअप वगैरह नहीं किया है इसने, खाली सूट सूट पहन लिया है। अभी बनाइए बाल और करेगी अपना मेकअप। एक इनका मेकअप पूरा ही नहीं हो रहा है। हाँ पता है दादा, अभी हुए नहीं है तैयार, फिर हम बनाएंगे इनके साथ एक रील। आज बनेगा गाइस रील बनेगी दादी की और दादा के साथ, तो वो आप देखिएगा हम डालेंगे। और अब ये एक और आ गई है तैयार होने, जो भी जाएगा हमारे समोसे लेके आ जाना आते वक्त। गाइस गोर इंसल्ट कर दी मैंने, अपना कितना लाए थे परसों, हम बहुत सामान लेके आए थे, पूरा कट्टा भर के लेके आए थे, दिवाली का सामान लेके आए थे, कम था वो ना मम्मी। हाँ हमारे समोसे लेके आया था ना, बहुत मारूंगी शीशे में देख रहे हो, जो मम्मी हम भी चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं मम्मी। गाइस नहा धो लिया था मैंने और अभी तक बाल बनाए नहीं है, बाल ऐसे हैं। यहाँ चल रही है इन दोनों की फाइटिंग। रास्ते में लड़ रहे थे जाना तुम यार, हंसी आ रही है इसको, ज्यादा ही हंसी आ रही है, इसको करके मारेंगे हम, ऐसा लड़ाई मत करना है।
तो अब यहाँ पे मोहित पहन रहा है जूते, ये लोग हो गए हैं अच्छे से तैयार, और ये मोहित के पापा पहन रहे हैं जूते, और ये लोग भी हो गए, मन्नु हो गए तैयार, गीता भी हो गई, तुम्हारी फोन में लाइट चल रही थी, ये हो गए हैं तैयार। यस, हमारे आ जाने चाहिए समोसे, वरना हम घर के अंदर नहीं आ देंगे। हम दोनों बड़े सैड है ना मम्मी, हम दोनों को कोई नहीं ले जा रहा, बाथरूम में कपड़े कोई नहीं ले जा रहा, हमसे बाथरूम में कपड़े है धो देना, हम कोई कपड़े अपने धोए किसी के, परसों हमने भी धोए थे जब तुम बाजार गए थे, हम डॉक्टर नहीं किसी के, बाथरूम में कपड़े धो देना और तौलिया धूप में डाल देना, ये डालेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे पड़ चुकी है मोहित को डांट, क्योंकि इसने बहुत देर लगा दी है जाने में, और अभी हो चुका है 12 बजे का टाइम। चश्मा, तेरे को चश्मा पकड़ने के लिए ऐसे बोला था, बाय बाय। तो गाइस अब ये लोग चले गए हैं और हम सिर्फ चार लोग बचे हैं। आज हम बनाएंगे खिचड़ी, जो बनाएंगे शायद मम्मी बनाएगी, मैं तो काम कर रही हूँ, और क्या कहते हैं, हमने रील भी बना ली है, आप मेरे यूट्यूब में जाके दीदी और दादा की जो रील है वो आप देख सकते हैं, बहुत कॉमेडियन थी, और एक दिन मैं मम्मी के साथ भी बनाऊंगी रील, पापा की और मम्मी की बनाऊंगी, फिर आप वो भी देखिएगा। और अभी तो फिलहाल वो लोग चले गए हैं, अब मैं खाना बनाते वक्त आपको दिखाऊंगी, आपको दिखा रहा हूँ मम्मी के कर लिए वॉशरूम में कपड़े। तो हमारी बन रही है खिचड़ी, और ये है चावल यहाँ पे रखे हैं दो तीन मम्मी ने, और यहाँ पे मम्मी कभी है ये प्याज कॉल भी है, और आज हम बना रहे हैं खिचड़ी, क्योंकि आज हम ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो हमने सोचा आज खिचड़ी बना लेते हैं। वैसे तो हमने गाड़ी में भिगाई हुई है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, हमने वैसे चावल भी ये राजमा भिगाई हुई है, पर हम इसको अब रात को बनाएंगे, हमने सोचा था सब लोग साथ में होंगे तो खाएंगे, पर अभी साथ में कोई है नहीं, और अभी सिर्फ हम ही लोग हैं, तो अब शाम को बनाएंगे हम राजमा, और अभी हम बना रहे हैं खिचड़ी, धुआं हुआ है तो मैं बाहर आ जाती हूँ। नौटंकी वाले यार, पापा कहाँ गए? तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, लंच कर लिया है, अब हो गया है शाम, और शाम के अभी का लगभग 5 बज चुके हैं, मम्मी रसोई में गई है, मैं देखती हूँ क्या कर रही है। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है, लंच कर लिया है, अब हो गया है शाम, और शाम के अभी का लगभग 5 बज चुके हैं, मम्मी रसोई में गई है, मैं देखती हूँ क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, 5 बजे हमारा आता है पानी, तो मम्मी ने मोटर चलाई हुई है और यहाँ पानी नीलाम करो, और देखिए हमारे लिए बना रही है मम्मी चाय, इसमें अभी से पानी डाला है, और मम्मी पीती है फीकी चाय, तो पहले इसमें हम खाली थोड़ी सी चाय पत्ती और अदरक डालेंगे, क्योंकि मम्मी फीकी पीती है, उसके बाद मम्मी हमारे लिए बनाएगी दूध की चाय। ये देखिए मम्मी छिलने लग गई अदरक, मम्मी अपने लिए बना रहे हो चाय? हाँ, अदरक और क्या डालोगे इसमें? चाय पत्ती अदरक। अच्छा, मम्मी अपने निकालेगी पहले, फिर हमारे लिए बनाएगी। पापा कहाँ हैं?
पापा वहाँ गए हैं लामाचौड़। उनकी थोड़ा तबियत खराब हो रही थी तो वो वहाँ गए हैं, वो वहाँ से लेके आएंगे दवाई, क्योंकि शाम को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए हमें पापा से कहा कि आप अभी चले आ जाओ और दवाई ले आओ, क्योंकि उनको वहीं की दवाई लगती है ज़्यादा। अच्छा होता है, बनवाए थोड़ा वो हो जाता है। मैंने बन रही है अदरक की चाय ठंडों में, और अब तो ठंडा हो ही गया वैसे भी, तो अदरक की चाय पीते तो गला भी सही रहता है और बाकी हेल्थ वगैरह भी। ये आ चुकी है हमारी चाय, अब मम्मी गुड़ लेने जा रही है। आ चुकी है मम्मी गुड़ लेके, अब पीते हैं हम गुड़ वाली चाय। तो गाइस ये लोग आ चुके हैं, चार मूर्ति आ चुके हैं, और क्या कहते हैं ये लोग लेके नहीं आए मेरे लिए कुछ खाने के लिए, अभी मैं इनको भेजती हूँ दुकान और मेरे लेके आएंगे सामान। और गाइस मुझे ना एक लिफाफा लगा है शादी का, दिखाओ जल्दी दिखाओ। चाची ने दिया, हाँ इनकी चाची ने मुझे शादी का लिफाफा लगाया है। मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखाती हूँ, इसमें अमाउंट नहीं बताऊँगी क्योंकि ये उन्होंने दिया है तो अच्छा लगता है। और बाकी मन्नू को दिया हुआ है, अच्छा है, इतना मस्त, इतना कड़क कड़क देखो यार, लो आपका। और मन्नू को लगाया है एक सूट, मन्नू सूट दिखाओ अपना, और मिठाई भी। ये देखिए गाइस मन्नू को लगाया है ये सूट, मन्नू बल्ले बल्ले तुम्हारे से मजा आ गया, एक सूट बन गया तुम्हारे लिए मिठाई। और मेरे लिए तो कुछ लाएंगे, अभी भेजती वैसे भी मैं, तो मेरे लेके आओगे चीज। और बाहर आमा भी आई हुई है, हमें त्योहार देने आई थी तो वो भी बैठ के बाहर दिखाती हूँ। तो गाइज मैंने बोला था दादा से समोसे लाने के लिए, और ये उस टाइम तो लेके नहीं आए, पर मैंने बाद में मंगवाया है। और यहाँ पे हो रही है मेरे कल के मई के जाने की तैयारी, यहाँ पे खीले पैक कर रहे हैं, पांच परिवार है तो पांच लोगों के लिए। और यहीं पे समोसा है, समोसा बट रहे हैं यहाँ पे, बांटने वाले ये बैठे हैं। सबके लिए एक एक समोसा। और ये है तो गाइस मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैंने दादा को बोला था समोसे लाने के लिए, ये उस टाइम तो लेके नहीं आए, पर फिर बाद में मैंने जीत किया और फिर ये लेके आए थे, इन्होंने पैसे दिए हैं और लेके आए हैं ये। और यहाँ पे बट रहा है सबको समोसा, और यहाँ पे मन्नू कर रही है मेरे कल की तैयारी, कल मैं जाऊँगी अपने मायके और वहाँ पे खिले ले लेके जाना होता है, त्यौहार लेके जाना होता है, और पूरी पकौड़ी सब बना के लेके जाना होता है। तो हम पूरी उरी तो कल सुबह बनाएंगे, अभी हम खिले पैक कर रहे हैं। और वहाँ पे कम से कम पाँच फैमिली है तो पाँच पन्नी हमें बनानी पड़ेगी। और बाकी ये गीता दी लोग, मोहित, ये सब समोसे को देखे इनके मुँह में पानी आ रहा है, मेरे मुँह तो नहीं आ रहा, लग रहा है मोहित के, मोहित तो वहीं को चाय यहाँ पे देख लो मोहित। और हम सब है खाने वाले, सबके लिए एक एक समोसा है, बटना शुरू हो चुका है। तो गाइस समोसे देख के मेरे मुँह में आ रहा है पानी, तो मिलते हैं समोसे खा के। गाइस मेरा समोसा आ चुका है, मैं खा रही हूँ और लोग मेरी खुल्ली उड़ा रहे। और मेरा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, मैं तो लॉकडाउन में रह गई। तो गाइस अब बन रहा है हमारा खाना, और ये बन रही है हमारी रोटी, और यहाँ दीदी और मन्नू बना रहे हैं खाना।
बाकी मैंने आपको बताया था उस टाइम कि हमने छोले नारी नींद राजमा भिगाया हुआ है, तो राजमा अभी हमने बना दिया है शाम को। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।